हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम शिक्षा। मेरा नाम है रॉयल और आज हम कंटिन्यू करेंगे मध्य प्रदेश की राजव्यवस्था को। आजकल पिछली वीडियो में हमने देखा था मध्य प्रदेश में प्रशासनिक निकाय के बारे में, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं हम कि जो मध्य प्रदेश राज्य है उसमें जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है, और जो शासन का प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है, और जो प्रशासन का प्रमुख होता है वो मुख्य सचिव होता है। ये हमने कल देखा था। प्रशासन मतलब जो पुलिस व्यवस्था होती है उसका प्रमुख मुख्य सचिव, शासन का प्रमुख होता है मुख्यमंत्री, और संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। सबसे पहले हमने सचिवालय देखा था, फिर निदेशालय और उसके नीचे क्षेत्रीय संगठन को। क्षेत्रीय संगठन में 10 संभाग और 52 जिले हमने देखे थे। अब जो 10 संभाग हैं, हर संभाग में एक संभाग आयुक्त नियुक्त होता है। जो संभाग आयुक्त होता है वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी होता है। संभाग आयुक्त के नीचे आते हैं तो 52 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। इन सभी जिलों में एक कलेक्टर जो जिलाधीश होते हैं वो नियुक्त होते हैं। कलेक्टर भी आईएएस अधिकारी होते हैं। जिले के नीचे उपजिला या जिसे हम अनुभाग कहते हैं, तो उपजिला स्तर पर एसडीएम नियुक्त होता है, जो राज्य की जो प्रशासनिक सेवा होती है उसका अधिकारी होता है। उपजिला के नीचे तहसील लेवल पे तहसीलदार होता है, जो पीएससी से सिलेक्टेड अधिकारी होता है। तो हमने देखा संभाग में संभाग आयुक्त, फिर जिले में कलेक्टर, उपजिले में एसडीएम, और उसके नीचे तहसील, तो तहसील स्तर पे तहसीलदार होता है। तहसील के नीचे आए तो हलका या सर्किल होता है। हलका या सर्किल पे जो प्रमुख अधिकारी होता है वो आरआई, भू राजस्व निरीक्षक और पटवारी होता है। हल्का या सर्कल से जो नीचे आते हैं तो ग्राम, जो राजस्व की सबसे छोटी इकाई होती है वो गांव होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश में विकास हेतु जिले को विकास खंड में विभाजित किया गया है। अब इतने बड़े जिले को कलेक्टर को सभी जिले पर, जिले के सभी क्षेत्र पर नज़र रखना है, तो अगर हमें सभी क्षेत्र का विकास करना है तो उसके लिए छोटे छोटे खंड बनाए गए हैं, जिसे हम विकास खंड कहते हैं। और विकास खंड का जो प्रमुख होता है वो सीईओ कहलाता है, मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी। मध्य प्रदेश में टोटल 313 विकास खंड हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जो प्रशासनिक तंत्र है, उन अब प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में, कुछ प्रमुख प्रशासनिक संस्थाओं के बारे में देखते हैं, उनके मुख्यालय कहाँ हैं। तो राज्य का मुद्रणालय है इंदौर में। इन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। वाणिज्यिक का आयुक्त है जो, वो इंदौर में है। नेक्स्ट जो राजस्व मंडल है वो ग्वालियर में, भू अभिलेख कार्यालय ग्वालियर में, परिवहन आयुक्त कार्यालय ग्वालियर में। नेक्स्ट जो महाधिवक्ता कार्यालय है वो जबलपुर में है, और जो लोकायुक्त कार्यालय है वो भोपाल में स्थित है। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में कुछ प्रशासनिक जो संगठन हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम इन संगठनों में देखते हैं लोकायुक्त के बारे में। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम 1969 में दीक्षित कमेटी ने इस संस्था की स्थापना की अनुशंसा की थी। तो इस कमेटी के अनुशंसा के आधार पर ही लोकायुक्त एक संस्था का गठन हुआ। इसमें लोकायुक्त और उप लोकायुक्त होते हैं, तो इसके लिए लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1981 पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार जो रिटायर्ड हो जाते हैं या जो काम कर रही हैं जस्टिस, उनको ही लोकायुक्त बनाया जाता है। तो यहाँ एक बात क्लियर है कि जो हाईकोर्ट के जस्टिस होते हैं या रिटायर्ड या जो कार्य कर रहे हैं उनको ही लोकायुक्त का पद दिया जाता है। मध्य प्रदेश में एक लोकायुक्त और दो उप लोकायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। प्रथम अगर हम लोकायुक्त की बात करें तो पीवी दीक्षित जी हैं, और प्रथम उप लोकायुक्त आरजी भावे जी हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश लोकायुक्त के बाद दूसरा संगठन मध्य प्रदेश आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो। इसकी स्थापना 1983 में होती है। इसका मुख्यालय भोपाल में है, और संभागीय स्तर पर क्षेत्रीय कार्यालय भी इसके उपस्थित होते हैं। इसका काम आर्थिक अपराधों का अन्वेषण करने वाली संस्था है, यानी जो आर्थिक अपराध, फाइनेंशियल जो क्राइम होते हैं उनकी जांच करना,
उन पर नियंत्रण रखना इसका काम होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे राज्य सतर्कता आयोग। इसका गठन मार्च 1964 में होता है और ये भ्रष्टाचार के निवारण के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया जाता है, संभाग स्तर पर संभागीय सतर्कता मंडल और जिला स्तर पर जिला सतर्कता अधिकारी होता है। इस आयोग के बाद देखेंगे हम नेक्स्ट राज्य मानवाधिकार आयोग। राष्ट्रीय जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है उसकी धारा 21 की उपधारा 1 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 13 दिसंबर 1955 को हुआ। जो इसका प्रमुख है वह हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जो चीफ है वह हाई कोर्ट का जस्टिस होता है। अब मानवाधिकार का प्रमुख कार्य क्या होता है, तो राज्य में मानवाधिकार के हनन से संबंधित मामलों की जांच करना और राज्य को प्रतिवेदन सौंपना। किसी भी व्यक्ति के मानवाधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उस मामले में जांच करना और राज्य को उसकी रिपोर्ट सौंपना, ये मानवाधिकार आयोग का कार्य होता है। इसके बाद हम देखेंगे महालेखाकार कार्यालय। 1985 में ग्वालियर में महालेखाकार कार्यालय और भोपाल में उप महालेखाकार कार्यालय स्थापित किया गया। 2004 में ग्वालियर का जो कार्यालय है उसको प्रधान महालेखाकार कार्यालय और जो भोपाल का जो ऑफिस था उसको महालेखाकार कार्यालय नाम दिया गया। इनका प्रमुख कार्य क्या होता है, जो CAG होते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, उनके लेखा परीक्षण कार्य में सहयोग करना और अकाउंटिंग लेखांकन से संबंधित कार्य करना होता है। उस मानवाधिकार आयोग के बाद हमने देखा महालेखाकार कार्यालय। अब हम देखेंगे राज्य सूचना आयोग के बारे में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत राज्य सूचना आयोग भोपाल में स्थापित किया गया है। हमने प्रशासनिक तंत्र के कुछ संस्थाओं के बारे में पढ़ा, कुछ उसके संगठन के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में पुलिस प्रशासन के बारे में। पुलिस व्यवस्था को हम देखेंगे तो पुलिस प्रशासन में जो सबसे ऊंचे जो प्रमुख पद माना गया है, पुलिस प्रशासन में सबसे प्रमुख अधिकारी माना गया है वह माना गया है पुलिस महानिदेशक को। DGP पुलिस प्रशासन में सबसे प्रमुख होता है। DGP से नीचे IG होता है, IG के नीचे DIG, फिर DIG से एक लेवल कम SP होता है, फिर CSP और DSP, DSP के नीचे TI होता है, TI के नीचे SI, SI के नीचे ASI, फिर ASI के नीचे हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के नीचे फिर कांस्टेबल या सिपाही होता है। अब हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश के गठन के समय पुलिस जो महानिरीक्षक है वह सबसे बड़ा पद होता था। 5 पुलिस रेंज होते थे, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और रायपुर। लेकिन 1982 में क्या हुआ कि जो पुलिस महानिदेशक है उसका पद सृजित हुआ और पुलिस महानिदेशक को सर्वोच्च पुलिस अधिकारी माना जाने लगा, जो DGP कहलाता है। प्रदेश का जो पुलिस मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है। हम देखें जो IG रेंज है प्रदेश में वो 11 हैं और DIG रेंज हैं 15। जिला पुलिस मुख्यालय 52 हैं। मध्य प्रदेश में विशेष सशस्त्र बल अधिनियम 1968 में लागू हुआ। मध्य प्रदेश में रेलवे पुलिस मुख्यालय भोपाल में है। इसके 3 क्षेत्रीय सेक्शन भी हैं, जबलपुर, ग्वालियर और भोपाल में। इन फैक्ट्स को हमें याद रखना है। आगे कुछ और फैक्ट देखते हैं। जो जेल पुलिस होती है वह पुलिस विभाग से पृथक इकाई होती है, यानी ये पुलिस विभाग पुलिस प्रशासन के अंतर्गत ही लेकिन पुलिस विभाग से अलग है। मध्य प्रदेश में कुल जेल 130 हैं, जिसमें से 12 देखें तो केंद्रीय जेल हैं, सेंट्रल जेल हैं। इसमें छिंदवाड़ा की जो प्रस्तावित है वह भी शामिल है। जिला जेल की संख्या 41 है, उप जेल 73 और खुली जेल की संख्या 5 से बढ़कर अब 6 हो गई है। पुलिस प्रशासन के अंतर्गत होमगार्ड भी शामिल होते हैं, जो पुलिस विभाग से अलग हैं लेकिन पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में जो होमगार्ड की 106 कंपनियां कार्यरत हैं। यहां हमने पुलिस प्रशासन को देखा,
प्रशासनिक तंत्र की कुछ संस्थाएं, उनके कुछ संगठन के बारे में पढ़ा। आगे हम पुलिस व्यवस्था को कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।